हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जो टॉपिक है 2.3, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशियंट। कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी में जो उसके जो जीरोज हैं और उसके जो कोफिशियंट हैं उनमें जो है क्या रिलेशनशिप है, ये हम आज इसमें पढ़ेंगे। किसी बहुपद के शून्य को और गुणांकों में संबंध, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ आपको हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमने जो बात करी थी वैल्यू ऑफ द एक्स, एक्स की वैल्यू निकालते थे हम, वैल्यू ऑफ द एक्स वेयर कब, जब पी एक्स इजिकल टू जीरो, पी एक्स इजिकल टू जीरो इज अ पॉलिनोमियल, जब इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी हम बात करी थी। सेकंड में जो हमने बात करी थी वो करी थी हमने एक्स कोऑर्डिनेट की, जहाँ पर जो हम एक्स की वैल्यू निकालते थे, जहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट जो है जीरो हो जाता था। क्या था एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वेयर वेयर ग्राफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कट एक्स एक्सिस, यहाँ पर जो है पॉलिनोमियल कोई ग्राफ था वो कट करता था एक्स एक्सिस, वहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होती है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होती थी वो होते थे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे कोफिशेंट, कोफिशेंट ऑफ पॉलिनोमियल की, ठीक है। कोफिशियंट कैसे, मतलब कोई भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे पी एक्स इजिकल टू टू एक्स टू एक्स प्लस वन, ये एक पॉलिनोमियल है। ये जो टू है ये जो है हमारा क्या है, कोफिशियंट है, किसका, एक्स का कोफिशियंट है ये। और ये जो हमारा एक्स क्या है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल जिसको हम बोलते थे चर हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर जो अगर मैं एक्स की पावर जीरो करूँ, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये जो क्वान्टिटी होती है ये होती है अचर, जो हमारी क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने जो है बात करी थी, नाइन्थ क्लास में भी पढ़कर आए। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे किससे, लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल के जो भी कोफिशेंट है उसका रिलेशनशिप क्या है जीरोज के साथ। जीरोज की हमने बात करी थी, जीरोज जीरोज में बताया था हम क्या होती हैं, ठीक है। जीरोज भी लिखी होंगी कहीं पर, आपको देखने के मिल जाएंगे क्या, एक्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ द एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स कहीं आपको मिल जाएंगे क्या, रूट्स, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूल। यहाँ पे ये क्या है, जीरोस की से शून्य, ठीक है। ये जो है तुम्हें अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने के लिए मिल जाएंगे, कहीं रूट्स लिखा जाएगा, कहीं हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, कहीं जो है शून्य के लिखा जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो है तीनों की जो है मीनिंग जो है, यहाँ पर जो सेम ही हमें जो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही शून्य होते हैं, वही जीरो होती हैं और वही रूट्स होते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात कर, ये किसकी, रैखिक बहुपद की। फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, रैखिक बहुपद, रैखिक क्या होते हैं, बहुपद, ठीक है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, जनरल फॉर्म लिखूं अगर मैं, ए एक्स प्लस बी ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। तुम यहाँ पर जो जीरो निकालते थे उसमें होता क्या था, उसमें ये होता था पी एक्स जो है हमारे पास जीरो हो जाए, पी एक्स जीरो हो जाए एक्स की वो वैल्यू जो होगी क्या होगी, ठीक है। पी एक्स हमें जीरो मिल जाए एक्स की कौन सी वैल्यू पर, तो इसको निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, पी एक्स की जगह जीरो पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो एक्स इजिकल टू बी माइनस ए, ठीक है। अब देखिए बी माइनस ए क्या है, माइनस का बी क्या है, यहाँ पर देखोगे बी क्या है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्या है, अचर है, ठीक है। नीचे जो है क्या है हमारे पास, कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का जो हमारा कोफिशियंट होगा, जो भी एक्स का गुणांक होगा, गुणांक, गुणांक किसका, एक्स का। ये जो है हमारे पास क्या है, यही हमारे पास रिलेशनशिप जो है किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की जो रिलेशनशिप है यही जो है हमारे पास आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अभी एक मिनट भैया, अगर मैं x की वैल्यू इसमें पुट करूंगा, p इजिकल टू माइनस का b बाई ए इजिकल टू
ए इंटू एक्स की वैल्यू क्या, माइनस का बी बाई ए प्लस का बी, ऐसे कैंसिल हो गया, माइनस का बी प्लस का बी इक्वल टू जीरो आ गया। तो ये जो वैल्यू है ये क्या रहती है, क्या शून्य, जीरो। ठीक है, तो इसकी जो रिलेशनशिप थी हमारे पास क्या मिला, जीरो अपॉन में माइनस का बी अपॉन ए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यही जो है हमारी रिलेशनशिप है, इसको जो है नोट कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सिक्स एक्स प्लस सेवन, पी एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस सेवन। अगर मैं आपसे बात करूँगा जीरोज क्या होंगी यहाँ पर, जीरोज, ठीक है, या फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक, कितनी होगी, देखिए अब डायरेक्ट देखती बता दो आप लोग, ठीक है, माइनस बी क्या है हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है, तो कितना बस सेवन, जो हमारा क्या है सिक्स क्या है, गुणांक है किसका, एक्स का, ए की वैल्यू क्या है सिक्स, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ए एक्स प्लस बी से, यहाँ पर जो जीरोज मिलेगी ये मिल गई। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, फाइंड आउट द जीरोज या फाइंड आउट द रूट्स, तो हम जो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। सेकेंड पर बात करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की, द्विघात समीकरण की। इसकी जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोग जानते हैं, मैंने बताई भी है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है इसकी, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो है हमारा कोई पॉलीनोमियल है, ये जो है कौन सा है, द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। इसके जो है हम लोग क्या निकालेंगे, जीरो निकालेंगे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो है लेट कर लूँगा, ये तो आप लोग जानते हैं इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है इसकी, टू है। जब इसकी डिग्री टू है तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो होंगे इसकी कितनी जीरोज होंगी, टू होंगे, आप लोग पढ़ चुके हैं। और जो लीनियर पॉलीनोमियल की जो थी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक जीरोज होगी, एक शून्य होगा, इसके दो होंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या लेट करना पड़ेगा, क्या लेट अल्फा एंड बीटा आर क्या है, जीरोज हैं, जीरोज, जिसको हम कहते हैं हिंदी में क्या, शून्य, ठीक है, शून्य ऑफ कोई पॉलीनोमियल है पी एक्स, क्या है पी पॉलीनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये जो ए बी क्या है कोफिशियंट है, अगर मैं बात करता हूँ ए बी सी आर कोफिशियंट, ठीक है। अब देखिए जब मैंने क्या करा, लेट करा, माना अल्फा और बीटा क्या है, शून्य है, किसकी, पॉलीनोमियल की। इसके बाद क्या लिखूंगा, इसके बाद क्या होगा, अगर मैं इनका सम निकालूंगा, क्योंकि डायरेक्ट निकालना प्रूफ जो है आपकी बुक में नहीं दिया है, उसको जो करने की जरूरत भी नहीं है, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, तो मैं क्या डायरेक्ट उनका जो है सम निकालूंगा, उनका योग निकालूंगा। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या है, शून्यकों का योग। जब मैंने दो शून्य मान लिया, अल्फा बीटा तुम्हें पता है, तो घर बहुत पता है, इसके जो शून्य होंगे दो होंगे, इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो जीरोज होंगी दो होंगी, क्या अल्फा बीटा, जीरोज में कंफ्यूज मत होना, क्या वाली जीरो समझ लो तो जीरो होता है ना, वो नहीं है, जीरोज है, ये क्या है, एक शून्य के उसके जो है क्या है रूट्स हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं, माइनस, ठीक है, कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ किसके, एक्स का अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, ठीक है। देखिए हिंदी में लिखना चाहें इसको हिंदी में लिख सकते हैं हम लोग, क्या है गुणांक है किसका, एक्स का। अगर मैं हिंदी में लिखना चाहें क्या है गुणांक, गुणांक किसका, एक्स का, नीचे जो होगा गुणांक होगा माइनस का गुणांक एक्स स्क्वायर का। अब आप लोग देख के बताइए इसका जो गुणांक है किसका, एक्स का, माइनस तो माइनस लगा लेंगे, एक्स का गुणांक क्या है, देखिए एक्स का गुणांक क्या है बी है, एक्स का गुणांक जो है क्या है बी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए है, जो कोफिशियंट है कितना ए है, ये जो आएगा क्या अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये आपको इसको नोट करना है। जो रिलेशनशिप है किसकी, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल की क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, ये आपको इसमें जो है याद रखना है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पर जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या शून्यकों का गुणा, ठीक है, दोनों में पढ़ा होगा तो अच्छा रहेगा, अच्छे से याद रहेगा। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो जो बेटर लगे आप लोग उसको चूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं दोनों में बता रहा हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मेरे इससे तो आप लोग जो है इंग्लिश को प्रेफर करें, जो ये वर्ड्स होते हैं मैथमेटिकल वर्ड हैं इनको इंग्लिश में लिखते हैं तो मार्क्स जो है बिल्कुल नहीं कटेंगे, उस समय घबराइए आप लोग। चलिए, प्रोडक्ट क्या है इसका, अल्फा बीटा हमारे पास दो जो है शून्य हमने माने थे, क्या होगा कॉन्स्टेंट टर्म, इसमें जो है माइनस नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है, अपॉन में कोफिशियंट ऑफ क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, सी जो है हमारी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है ए है, तो ये हो जाएगा सी बाई ए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये दो पॉइंट है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। नेक्स्ट हम एग्जांपल के थ्रू और समझेंगे इसको। एग्जांपल टू है एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर टू, ये कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 एंड उनको जो है वेरीफाई करिए कि क्या जो उनकी रिलेशनशिप है किसकी, जीरोज की और कोफिशियंट की, वो हमें जो है उसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम जो फाइंड आउट करेंगे क्या जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल, द्विघात बहुपद जो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को और गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसको जो है बताइए, ठीक है। तो इससे जो है और क्लियर हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे क्या इनके जो जीरोज हैं। पॉलीनोमियल हमें दिया है कितना पी एक्स इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, जब उनके शून्य निकालते हैं, जब हम जीरोज निकालते हैं तो हम क्या लिख लेंगे 4 जीरोज के लिए क्या हो जाता है 4 जीरोज पी एक्स जो होगा हमारा क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, ठीक है। पी एक्स जो हमें जीरो मिल जाए एक्स की किसी ना किसी वैल्यू पर वही क्या होते हैं उसके शून्य होती है, जब पी एक्स जीरो मिल गया तो ये हो जाएगा एक्स जीरो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। ये नाइन्थ में जो आप लोग इसको करके आए हो गए, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को जो हम तोड़कर जो है इसके दो इसमें हम फैक्टर करते हैं इसके, ठीक है, दो उसमें हम तोड़ते हैं इसको, उसके बाद जो है कॉमन लेके जो है हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा कितना से एक्स स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 5x प्लस का 2x प्लस का 10, ये मैंने इसको इसमें ब्रेक कर दिया, ठीक है। देखिए 5 × 10 है ना, 2 5 + 2 7 होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसकी हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना चाहिए 1 गुणा कितना 10 इज इक्वल टू 10 होगा। अब जो हम इसकी जो मिडिल टर्म जो इसको स्प्लिट करेंगे कैसे टर्म में करना चाहिए, अगर हम इनके गुणा करें तो हमें कितना मिलना चाहिए 10 मिलना चाहिए और हम इनको ऐड करें तो हमें कितना मिलना चाहिए 7 मिलना चाहिए, 7 मिल गया। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ माइनस करते, यहाँ प्लस है ये हम देख जाता जो कॉन्स्टेंट वाली टर्म है, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस तो माइनस, ठीक है। तो देखिए इज इक्वल टू कितना है 0, यहाँ से मैंने एक्स कॉमन लिया कितना हुआ एक्स प्लस 5, ये हो गया तुम्हारा एक्स प्लस 5 प्लस का 2 मैंने कॉमन लिया कितना बचा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से जो मैं एक्स प्लस 5 पूरे में से कॉमन लूँगा कितना बचेगा एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसके फैक्टर आ गए, जब इसके फैक्टर होंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, तो मुझे मिलेगी एक्स की वैल्यू मिलेगी इससे मिलेंगी, अगर हम इसको करते हैं एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा एक्स इक्वल टू माइनस का 5, ये 0 हमें क्या मिलेगा एक्स इक्वल टू माइनस का 2, तो एक्स की जो है दो वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर जो है एक्स की दो वैल्यू आ गई, यही होती है 0 है ना, तो इनको हम लोग क्या मान लेते हैं अल्फा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं करूँ तो ये जो हो गया हमारे पास ये तो हो गया यहाँ पर फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसकी 2 जीरोज है माइनस 2 और माइनस 5। मैं करूँगा क्या लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 5 और बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2, अल्फा बीटा हमने जो इसके अलग अलग है या तो ये होगा या फिर ये होगा। चलिए देखिए
यहाँ पर जो है हमारे लोग क्या है, हमारे जो जीरो आ गई हैं, शून्य आ गई हैं, उसके बाद जो हमें क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई कर दिया। हम जानते हैं क्या, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता था, माइनस का बी अपॉन ए। हमारे लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, अगर मैं कंपेयर करता हूँ किससे, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यहाँ पर जो मिलेगा मुझे कितना मिलेगा, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 7 है, सी की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है। चलिए, अल्फा प्लस बीटा तो कितना हो गया, माइनस का बी की वैल्यू कितनी है 7 है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, यहाँ से हमें लेनी, जो हमने फाइंड आउट करे थे इसके जीरो जो, ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का कितना 5, माइनस का 2 इजिकल टू माइनस का 7, तो माइनस का 7 इजिकल टू माइनस का 7, ये जो है हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इस तरह से हमें करना है। सेकेंड वाली बात करते हैं हम लोग, क्या है प्रोडक्ट, अगर हम इसका निकालते हैं अल्फा बीटा इजिकल टू क्या है, सी बाई ए, ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आप बताइए, इसमें c की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 1 ही है, तो ये हो गया अल्फा बीटा कितना हो गया, अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, दोनों मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 5 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 अपॉन में 10, ये भी जो है वेरीफाई हो गया, ठीक है। जो तुम्हारी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 2.2, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह ही है, उसमें जो है वेरीफाई करवा रहा है और जो है उसके जीरोज निकलवा रहा है, उसके शून्य निकलवा रहा है, इस तरह से हमें करना है, नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, हमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस कितना दे रखा है, आर -3 और 2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को का योग और गुणनफल जो है -3 और 2 है। इसको सॉल्व करने से सबसे पहले जो है आपको क्या पता होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात बहुपद की, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की, वो क्या होती है। चलिए अगर हम बात करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो होता है हमारे पास क्या, द्विघात बहुपद क्या होता है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पर द्विघात दिखा हुआ है तो आपके दिमाग में ये चलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है इनका सम दे रखा है और जो हमें के पास सम और क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है जीरोज का, तो हम जानते हैं क्या, लेट अल्फा एंड बीटा आर क्या है, शून्यक हैं क्या है, जीरोज हैं ऑफ किसके पॉलीनोमियल, जो हमने लिया था पी एक्स इजिकल टू कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, हमें इनका सम दे रखा है। अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल टू माइनस का 3 दे रखा है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस का 3, अल्फा गुणा में जो बीटा क्या होता है हमारे पास, सी बाई ए इज इक्वल टू 2, यहां से मैं सी निकालूंगा कितना हो जाएगा 2a, यहाँ से जो है माइनस से माइनस कैंसिल, बी निकालूंगा कितना हो जाएगा 3a, ठीक है, ये हमारे पास मिल गया, ठीक है। चलिए ये वैल्यू जो है मैं इसमें पुट करूंगा, a की हम ऐसे रहने देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू जो है हमारे पास कितना है 3ax प्लस का c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2a, ठीक है। यहाँ से जो मैं क्या ले लूँ कॉमन, ए मैंने कॉमन लिया तो मुझे कितना मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, तो यहाँ पर हमें ये डिनोट कर रहा है a नॉट इक्वल टू 2, ये जो है नॉट इक्वल टू सॉरी a जो है नॉट इक्वल टू 0, a जो है 0 नहीं हो सकता, ठीक है। a की कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, माइनस 1 ले लें, है ना, तो हमें जो है यहाँ पे इनफाइनाइट अनंत जो है क्या मिलेंगे, पॉलीनोमियल मिलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मिलेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, फॉर वैल्यू ऑफ ए वी विल हैव डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, वी हैव डिफरेंट क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ फोर ए इज इक्वल टू वन, अगर मैं ए की वैल्यू वन लिखता हूँ जो मुझे पॉलिनोमियल मिलेगा वो क्या मिलेगा, पी एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस का टू। अगर मैं फोर ए की वैल्यू टू लेता हूँ, ए इज इक्वल टू कितना लेता हूँ, टू लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स प्लस का फोर, है ना। तो इस तरह के इसलिए जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है पॉलिनोमियल मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी पॉलिनोमियल मिलेंगे। तो बुक में जो है वो वन के लिए करा, तो उन्होंने एक पूछा एक द्विघात समीकरण, तो हमारा जो है ये जो होगी ये इसकी द्विघात समीकरण होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा क्या मिलेगा, ठीक है, इफ गिविन है हमें अल्फा और बीटा क्या है, गिविन है, ठीक है, इनके हमें सम दे रखे हैं, सम योग दे रखा, सम ऑफ जीरोज क्या है अल्फा प्लस बीटा, और हमें प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में जो है लिखूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको कहाँ कुछ देखने के लिए मिलेगा, क्या बुक में इस तरह की देखने के लिए मिलेगी, क्या एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोज शून्यकों का योग एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जीरो शून्यकों का गुणनफल, तुम्हें क्या मिलेगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। ये जो है मुझे क्या मिलेगी, किसमें मिलेगी, ये जो अल्फा बीटा जो इसके शून्य के हैं, जो इसके जीरोज हैं, जो इसके रूट्स हैं, उसकी फॉर्म में जो है इस तरह की भी तुम्हें आपको मिलेगी इक्वेशन लिखा होगी। अगर इससे हम लोग निकालेंगे, देखिए कितनी जल्दी निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना, माइनस का थ्री। अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा पॉलिनोमियल, इसका जो पॉलिनोमियल निकालूंगा देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा माइनस का थ्री, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री एक्स प्लस का अल्फा बीटा कितना रखा टू। देखिए मैंने देखते ही मैंने यहीं पर ही देख लिया कि इनका जो सम है कितना माइनस थ्री है और जो इनका प्रोडक्ट है टू है, तो मैंने डायरेक्ट जो है ये निकाल दी। ये किसके लिए है, फोर ए की वैल्यू वन, यहाँ पर जो है ये एक डिफॉल्ट है, मतलब जो ए की वन के लिए जो है इक्वेशन है। तो इस तरह से हम जो है करना है। अब बात करेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल की, त्रिघात बहुपद की जो रिलेशनशिप है किसकी, जीरोज की और कोफिशियंट की, वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, इसकी जो जनरल जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, अगर हम पी एक्स निकालते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी ए नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। ए बी सी हम क्या है, ए बी सी क्या है, डी क्या है हमारे पास, आर क्या है, कोफिशियंट है। ठीक है, जब ये क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघात बहुपद है इसकी जो है, सॉरी ये थ्री है, इसकी जो है डिग्री कितनी है, जो हाईएस्ट डिग्री वो कितनी है, यहाँ देखिए इसकी डिग्री जो होगी कितनी होगी, इसकी डिग्री जो है क्या है, घात जो है इसकी कितनी है, थ्री है। जब इसकी डिग्री थ्री है तो आप लोग ये भी जानते होंगे इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो जीरोज होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो शून्यक होंगी वो कितनी होंगी, तीन होंगी। पिछली बार पिछले हम बात कर चुके हैं, ठीक है, तो तीन होंगे। तो मुझे यहाँ पे जो है तीन जो है लेट करने पड़ेंगे, अल्फा बीटा गामा हम लोग ले लेते हैं, ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है किसका, रूट्स का, जीरोस का। तो मैं क्या करूँगा, लेट माना अल्फा बीटा गामा आर क्या है, जीरोज हैं, जीरोज हैं क्या है, शून्यक हैं, ऑफ किसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के, क्यूबिक जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद के, किसके, त्रिघात बहुपद के। तो इसको लिखाई सही नहीं है, समझ में आ जाएगी, लेकिन इसको आप लोग नोट कर लें, हिंदी में चाहे हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में कर सकते हैं। त्रिघात बहुपद क्या है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल टू कितना है, ए एक्स के क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, अल्फा बीटा गामा जो है मैंने इसके तीन जो है जीरोस ले लिए। अब जो निकालूंगा क्या निकालूंगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज है ना, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा, ठीक है, क्या होता है, देखिए
माइनस का कोफिशियंट ऑफ किसका एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशियंट ऑफ किसका एक्स क्यूब का। अब मुझे इसमें देखकर बताइए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो क्या है, बी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, माइनस का बी, माइनस है ऑलरेडी, बी जो है इसका वो है। अब एक्स की क्यू क्या है, ए है। तो अगर मैं रिलेशनशिप निकालूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ये इसको नोट कर लें जो ब्रैकेट में। सेकंड जो है वो है क्या, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, है ना, प्रोडक्ट। हिंदी में लिखना चाह लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो क्या है हमारे पास, ये जो आएगी ये आएगी तुम्हारी क्या, माइनस का कांस्टेंट टर्म। कौन सी है, ये वाली जो है कांस्टेंट टर्म है, क्या है, ये अचर पद। नीचे जो आएगा सेम रहेगा, कोफिशियंट ऑफ किसका, एक्स क्यू का, कांस्टेंट टर्म जो है माइनस का डी अपॉन ए। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा, अगर मैं अल्फा बीटा गामा निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का डी बाई ए, ये आपको इसमें याद रखना है। दो हो गया, तीसरा जो निकालना है हमें, तीसरा जो होगा, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखना है ध्यान से, देखना इसको ध्यान से देखना, माइनस माइनस में दोनों है, प्रोडक्ट में भी इसमें भी, क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ किनका, जीरोज का, ठीक है, शून्यकों का योग का गुणनफल, सॉरी शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होगा, शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का योग कैसे, अल्फा बीटा, ये क्या होगा, गुणनफल हो गया, शून्यकों के गुणनफल योग प्लस में बीटा गामा, ठीक है, प्लस में गामा अल्फा, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा। क्या होता है हमारे पास, ये जो होता है कोफिशियंट कित, कौन सा बच गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स क्यूब आ गया, कांस्टेंट टर्म आ गई, एक बच गया कौन सा, ये वाला। तो क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशियंट एक्स स्क्वायर का, ये याद रखना आप लोग, जो हमारा गुणांक है किसका, एक्स का गुणांक अपॉन में क्यूब है, सॉरी, ठीक है, कितना है, क्यूब है, कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब का गुणांक। तो क्या है हमारे पास, एक्स का गुणांक क्या है, सी अपॉन में ए, देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए माइनस माइनस है दोनों में, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है, प्लस आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिलेशनशिप अगर मैं करूँगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा प्लस का गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये आपको इसमें जो है ध्यान रखना है, ठीक है, नोट डाउन करिए इसको, फिर इसके बेस पर एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से इसको समझना है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, जो भी कोई भी पॉलीनोमियल की हम लोग बात कर रहे थे उसी के बेस पर जो है एग्जाम्पल है, इसमें जो है हमें वेरीफाई करवा रहा है जो उसके शून्य के क्यूबिक पॉलीनोमियल के, ठीक है, और इसमें जो है वेरीफाई करा रहा है और रिलेशनशिप पूछ रहा है उनके बीच के ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें खुद ट्राई करें इसको, बाद में सॉल्यूशन देखे ना। गिविन दैट, हमें पॉलीनोमियल दिया, गिविन पॉलीनोमियल दे रखा है क्या, पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स की क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3, ठीक है, ये हमें जो है पॉलीनोमियल दे रखा है और इसके जो है ये शून्य दे रखे हैं, क्या दे रखी हैं, इसके जीरोज दे रखी हैं। यहाँ पे पॉलीनोमियल गिवन है, हिंदी में लिख रहा है, जांच कीजिए त्रिघात बहुपद जो है के शून्य ये हैं और इनके संबंध बताइए।
कोफिशेंट और जीरोस के बीच में जो संबंध है वो इनको बताइए। हमने लिख लिया सबसे पहले क्या जो हमें दे रखा है, क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। अगर मैं करता हूँ क्या पी एक्स, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी लिखता हूँ, क्या होती है ए एक्स की क्यू माइनस का बी एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। अब मैं करता हूं कंपेयरिंग द कोफिशियंट, कंपेयरिंग द कोफिशियंट, गुणांकों की तुलना करो, ठीक है तुलना, ठीक है किसकी गुणांकों की तुलना करें। ए की वैल्यू पूछूं मैं तो तुम क्या बोलोगे तीन है, और बी की वैल्यू पूछूं, बी की वैल्यू क्या है प्लस है माइनस फाइव है, तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस का फाइव है। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू माइनस का इलेवन है, और डी की वैल्यू कितना है माइनस का थ्री है। तो सबसे पहले क्या करें, मैंने जो है इसकी सबकी वैल्यू जो है लिख ली है, ठीक वेरीफाई करा रहा है कि ये जो हमें दे रखे हैं तीन, यहाँ पर तीन जो इसकी जीरो दे रखी हैं थ्री माइनस वन और माइनस का वन अपॉन थ्री, ये क्या इसके शून्यक हैं जीरोज हैं, ये होने की क्या कंडीशन है। हमें जो पी एक्स दे रखा है, अगर ये पी एक्स यहाँ पर जीरो आ जाए, इनमें से वैल्यू हम उठा के रखेंगे, अगर जिस वैल्यू पर एक्स की वैल्यू रखेंगे पहले थ्री, इस पर जीरो आ गया तो हम कहेंगे ये क्या जीरोज है, ठीक है माइनस वन रखेंगे अगर जीरो आ गया तो हम क्या कहेंगे ये इसका जीरो हो जाए, हम माइनस वन अपॉन थ्री रखेंगे तो जीरो आ गया, हम क्या कहेंगे इसके शून्य के या जीरोज हैं या फिर इसके जो रूट्स हैं। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करेंगे हम लोग। हमें जो पी एक्स दे रखा है इसमें वैल्यू रखूंगा पी थ्री, ये जो हमें दे रखा था ना क्योंकि कोरोना में जो दे रखा है इसमें वन बाय वन हम लोग जो है वैल्यू रखेंगे। पी थ्री की बात करते हैं, अगर मैं एक्स की वैल्यू थ्री रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा थ्री गुणा थ्री की पावर थ्री माइनस का फाइव गुणा थ्री स्क्वायर, ठीक है गुणा में माइनस का इलेवन इंटू थ्री माइनस का थ्री, तो आ जाएगा तीन किया नौ किया सत्ताईस, सत्ताईस सत्ताईस थ्री कितना हो गया इक्यासी, ठीक है अरे सत्ताईस थ्री कितना हो गए तीन सत्ताईस इक्कीस तीन दो छः दो और सत्ताईस थ्री जो इक्यासी माइनस का तीन किया नौ, नौ पंजे पैंतालीस माइनस का ग्यारह तैतीस माइनस का थ्री, तीनों को ऐड करके देखिए कितना मिल रहा है हमें एट्टी वन माइनस का ये हो जाएगा तीन 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 छः छः पाँच ग्यारह के कहाँ से लगा एक चार 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 आठ कितना आ गया जीरो आ गया। तो मैं क्या बोलूँगा, मैंने वेरीफाई कर दिया, मैंने बोला क्या ये जो माइनस सॉरी जो थ्री है ये क्या इसका जीरो है किसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये क्या है रूट्स है किसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो हमारे पास गिवन है। सेम इसी तरह से मैं वैल्यू रखूंगा क्या माइनस का वन, जब मैं माइनस का वन रखूंगा इसमें तो मुझे कितना मिलेगा थ्री माइनस का फाइव माइनस का इलेवन और माइनस का थ्री सॉरी या देखिए ये तो रहेगा तुम्हारा माइनस रखा प्लस की गलती हो गई सॉरी यहाँ रखा मैंने थ्री माइनस का वन की क्यूब माइनस का फाइव माइनस का वन का स्क्वायर माइनस का इलेवन माइनस का वन माइनस का थ्री, वो माइनस में गड़बड़ हो रही थी मैंने प्लस कर दिया था, ठीक है देखिए जब मैं माइनस वन की क्यूब करूँगा तो मुझे माइनस मिलेगा, माइनस वन की थ्री में गुणा करूँगा तो मुझे थ्री मिलेगा, जब मैं माइनस वन का स्क्वायर करूँगा तो मुझे प्लस का वन मिलेगा, प्लस की वन में जब मैं फाइव में गुणा करूँगा तो माइनस का ही फाइव रहेगा, ये माइनस माइनस का वन है माइनस का ग्यारह में जब मैं गुणा करूंगा तो प्लस का कितना हो जाएगा ग्यारह हो जाएगा, ये माइनस का थ्री रह जाएगा। पाँच पाँच और तीन आठ, आठ और तीन ग्यारह, तो कितना हो गया माइनस का ग्यारह प्लस का ग्यारह कितना मिला मुझे जीरो मिल गया, ये भी क्या है इसका जो है क्या है शून्य क्या है इसका जो है जीरो हो जाए इसका ये रूट्स है। अब बात करते हैं हम लोग पी की माइनस वन अपॉन थ्री, जब माइनस का वन अपॉन थ्री में रखूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर थ्री तो हम ऐसे ही रख लेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉइंट थ्री की पावर करूँगा माइनस का वन अपॉइंट थ्री की क्यूब है और माइनस का फाइव है माइनस का वन अपॉइंट थ्री कितना क्यूब है माइनस का इलेवन है और माइनस का वन अपॉइंट थ्री है माइनस का थ्री है। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा थ्री गुणा में ये तो माइनस का ही मिल जाएगा कितना का माइनस का वन अपॉइंट में नौ के सत्ताईस थी नौ तीन तीन नौ सत्ताईस
ठीक है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम क्यूब है तो माइनस वन बाहर हमने प्लस ले लिया, तो फाइव एस कितना हो जाएगा, फाइव तो ये ऐसे ही रहेगा, एक का क्यूब जो है उसका वन एक ही रहेगा, तीन तीन नौ सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कितना, स्क्वायर तो माइनस का ही रहेगा, स्क्वायर तो माइनस का ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा, तीन तीन नौ, और यहाँ पर जो है ये प्लस का हो जाएगा कितना, ग्यारह बटे तीन माइनस का थ्री, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया ये ग्यारह है, ये हो गया नाइन, ठीक है। तो इसका जो मैं एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम लेने के बाद कितना एलसीएम आएगा इसका, यहाँ पर आ जाएगा कितना, नाइन एलसीएम आ गया, यह माइनस वन है, यह माइनस फाइव है, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम आ गया, देखिए एलसीएम कितना आ गया, नाइन, तो तीन ऊपर आएगा ग्यारह तैतीस, तैतीस यहाँ पर जो नाइन है कितना हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा, यह नाइन आया नौतिया सत्ताईस, माइनस का सत्ताईस, जब माइनस का सत्ताईस यहाँ पर है तो मुझे कितना मिल जाएगा, ये देखिए माइनस का सत्ताईस और अट्ठाईस, ठीक है, माइनस का अट्ठाईस हो गया, माइनस का अट्ठाईस और पाँच, माइनस का तैतीस, तो मुझे मिला माइनस का तैतीस प्लस का तैतीस अपॉन में नाइन, कितना आ गया, जीरो अपॉन नाइन इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो मैं क्या बोलूँगा, ये भी जो है माइनस का वन अपॉन थ्री क्या है, इसका एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये जो है हमने वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई करने के बाद भी इसने हमें कुछ पूछा है, क्या पूछा है, वेरीफाई करने के बाद पूछा है कि रिलेशनशिप बताइए, ठीक है। रिलेशनशिप बताने के लिए तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा हमने करा था, लेट अल्फा इज इक्वल टू थ्री दे रखा है, बीटा इज इक्वल टू हम ले लेंगे माइनस का वन, और गामा इज इक्वल टू ले लेंगे माइनस का थ्री, ठीक है। देखिए तो हम जानते हैं क्या, अल्फा प्लस का बीटा प्लस का क्या हो गया गामा, क्या होता था माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का फाइव, तो प्लस का फाइव हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर थ्री, ठीक है, ए की वैल्यू थ्री हो गई। अब मैं जो है अल्फा बीटा गामा की जो है वैल्यू में रखूँगा यहाँ पर, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, थ्री माइनस का वन, और माइनस का वन अपॉन थ्री इजिकल टू फाइव बाई थ्री, ये हो जाएगा तीन एलसीएम आ गया, ठीक है, कितना हो जाएगा, तीन तीन नौ माइनस का थ्री माइनस का वन इजिकल टू फाइव बाई थ्री, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के नाइन में से माइनस के चार जाएंगे, फाइव बाई थ्री अपॉन में फाइव बाई थ्री, ठीक है। तो ये जो है क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है, वेरीफाई हो गया, क्या वेरीफाई हो गया, सम जो था इनका, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा, प्रोडक्ट क्या था हमारा, अल्फा बीटा गामा इजिकल टू क्या था, माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है, प्रोडक्ट क्या था इनका, माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर डी की वैल्यू माइनस थ्री है, माइनस थ्री अपॉन में ई की वैल्यू कितनी है, थ्री, तो ये तो मिल गया मुझे माइनस का वन, तीनों की मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा, थ्री गुणा में माइनस का वन, गुणा करूँगा किसकी, माइनस की वन की, गुणा करूँगा कितना, माइनस का वन अपॉन थ्री की, वन अपॉन थ्री की, तो वन से थ्री कैंसिल हो गया, ठीक है। और जो है मुझे कितना मिल जाएगा, सॉरी डी की वैल्यू कितनी, माइनस का थ्री, तो माइनस का थ्री प्लस का हो गया, तो प्लस का वन मिला, यहाँ भी जो है माइनस वन, और माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस का वन इजिकल टू प्लस का वन, ये भी जो है क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी तरह से जो है सम ऑफ प्रोडक्ट मैं करूँगा, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए इसको जो है नोट कर लिया होगा, तो आपने इधर में कर लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट हम लोग जानते थे, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या था, अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा, ठीक है। ये था क्या था हमारे पास, c बाई ए, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, c की वैल्यू जो है कितनी, माइनस का 11, a की वैल्यू कितनी है थ्री, ठीक है। चलिए अल्फा बीटा की वैल्यू रखूंगा, ये हमारे पास अल्फा था, ये बीटा था, ये गामा था। अल्फा की वैल्यू कितनी है, थ्री मल्टीप्लाई में माइनस का वन प्लस का
बीटा की वैल्यू माइनस वन मल्टीप्लाई में गामा की वैल्यू माइनस का वन अपॉइंट थ्री प्लस का माइनस का वन अपॉइंट थ्री गामा है हमारे पास मल्टीप्लाई में थ्री है इसका। ठीक है देखिए यहाँ से थ्री कैंसिल हो गया। ठीक है तो यह आ जाएगा माइनस का थ्री और ये हो जाएगा प्लस का वन अपॉइंट थ्री, यह हो जाएगा माइनस का वन माइनस का इलेवन अपॉइंट थ्री। तो एलसीएम कितना आ गया थ्री तीन तीन नौ प्लस का वन माइनस का थ्री अपॉन में इलेवन अपॉइंट थ्री, यह आ जाएगा तुम्हारा थ्री। ठीक है नौ चार कितने हो गए बारह, बारह में से एक जाएगा माइनस का इलेवन, यहाँ भी माइनस का इलेवन बाई थ्री। तो ये भी क्या है हमारे पास वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमें इसको करना था, लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज़ है, ये जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर फाइव ये एग्जाम